एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं अब ग्राउंड रेडी होके, थोड़ी देर में हमारे इवेंट्स हैं और मेरा भी इवेंट है, हाई जंप है अभी। सो और हम अब जा रहे हैं ग्राउंड की तरफ, मेरी हाई जंप है और वो आ रही है ना, उसकी भी हाई जंप है। अपना इवेंट करने के बाद फिर हम घूमेंगे सब जगह, फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को एंड आई विल टेल यू द रिजल्ट क्या हुआ। हम ढूंढ रहे थे एथलेटिक्स का ग्राउंड, हमें मिल गया हॉकी। ये जूनियर्स टीम लग रही है मुझे हॉकी की। हाँ, ये इंडियन जूनियर टीम है और यहाँ पे हॉकी के ग्राउंड, सब चीज़ के ग्राउंड है। अभी तो और भी दिखाती हूँ आपको, चलो। ये यहाँ पे चल रहा है वॉलीबॉल, मतलब हर चीज़ का यहाँ पे ना एक मस्त बना रखा है इन्होंने ना, सब कुछ कर सकते हो। ये देखो कैमरामैन अंकल, वेलकम लेटर ऑन। और ये है क्रिकेट ग्राउंड। अटेंडेंस हैज बीन टेकन, इफ एनीबॉडी हैज रिपोर्टेड हियर, लेटर ऑन। क्या भाई ग्राउंड है यार, प्लीज टेल। ये भी काफी सुंदर है। यहाँ पे पहले एंट्री होती है एंड देन हम लोग जाते हैं मेन स्पोर्ट्स ग्राउंड। 400 मीटर हर्डल्स, हिट मीट 1474। और ये देखो यहाँ पे दुती मैम भी प्रैक्टिस कर रही हैं, इनके कोच सर भी आ रखे हैं और ये हमारे साथ इस बार पार्टिसिपेट करने वाली है। मतलब आई तो ये एज अ चीफ गेस्ट हैं, लेकिन ये हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब ये सोच के बहुत अच्छा फील हो रहा है और इन्हें खेलते हुए देख के तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो अब मैं आपको ग्राउंड में मिलती हूँ सीधे, ओके। चलो अब हमारा फाइनली ग्राउंड भी मिल गया, मेन ग्राउंड जहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, एथलेटिक्स स्टेडियम। मैंने बाकी सारे स्टेडियम्स तो आपको दिखा दिए, अब हमारे वाले की बारी। ये यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं और चलो। ओ वाओ, वो देख हाई जंप के गद्दे हो रहे, सुंदर है ना। आई होप आपको ही बहुत पसंद आया होगा। हम लोग ग्राउंड में और मेरी दोस्त का हो रहा है हैमर थ्रो। अभी सब लोग हैमर थ्रो ही देखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और मैं दिखाती हूँ अभी थ्रो आपको। ये ट्रैक को मेरे नाम है स्थापन कर रहे हैं, जो इंडिया का पहला एथलेट हूँ मैं, जो मेरे नाम है कुछ स्टेडियम बन रही है अभी। तो इसी ट्रैक में आप लोग भागने का मौका मिल रहा है कि ऐसा इंस्टीट्यूट है। ये देखो मैम एज अ चीफ गेस्ट आ रखी है, बच्चों को कैरियर भी बनाते और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी ज़्यादा प्रमोट करते। आपने तो देखे होंगे स्पोर्ट्स में कितने सारा सपोर्ट मिला है, इधर बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है, बच्चे को रहना खाना और साथ में कंपटीशन करने के सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सब कुछ अवेलेबल है इधर। यहाँ पे हॉकी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, रग्बी, बैडमिंटन, फुटबॉल और वॉलीबॉल, बहुत सारे ऐसा है जो स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट सब कुछ इधर है, स्टेडियम मौजूद है इधर। यहाँ पे बच्चे से पढ़ाई कर नहीं करते, पढ़ाई के साथ कोर्स भी करते हैं और ये प्राउड की बात है कि यूनिवर्सिटी इंडिया में जो यहाँ पे 7 से ज़्यादा ओलंपियन मौजूद है इधर, ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के बच्चे इधर पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के साथ खेल भी करते हैं।
और मेरा भी सौभाग्य है कि इसी यूनिवर्सिटी में बिलोंग करती हूँ मैं। 2013 से अभी तक मैं पढ़ाई करती हूँ इधर LLB स्टूडेंट बन के, और काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल भी खेल के देश का नाम रोशन किया मैंने। आज तक नेशनल में 1000 से ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल किया मैंने और इंटरनेशनल लेवल में 7 मेडल हासिल किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है जो रिकॉर्ड चल रहे अभी नेशनल रिकॉर्ड 11.17, वो मेरे रिकॉर्ड को मैं 10 बार तोड़ चुकी हूँ। पहले 11.43 से शुरू करके आज 11.17 को पहुँची मैंने। और एशियन गेम में 2 सिल्वर मेडल हासिल किया था और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पहली भारतीय महिला के हिसाब से मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी मुझे मिल चुका है। तो मैं सबको यही कहूँगी कि हर पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई करेगा तो ज़िंदगी में करियर बनाएगा, फ्यूचर बनाएगा, कुछ पैसा कमाएगा, फैमिली संभालेगा, लेकिन ये सबको ये मालूम नहीं कि स्पोर्ट्स में एक फ्यूचर है। अब कोई भी अच्छी तरह से स्पोर्ट्स करेंगे तो खुद का करियर भी बना सकेंगे। जैसे मैं उदाहरण में हूँ, मैं जब गरीबी मिल से बिलोंग करती थी, पढ़ाई करने के लिए पैसा भी नहीं थी, सब सोचते कि शायद करियर में कुछ होगा नहीं मेरा, लेकिन स्पोर्ट्स के एक रास्ता था जिसको मैंने चुना और ज़्यादा मेहनत किया, मैंने कड़ी मेहनत किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सर को जिन्होंने मुझे ज़्यादा फाइनेंस सपोर्ट किया, इसके साथ साथ उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया, सब ने मिलकर मुझे सपोर्ट किया, इसलिए आज दूती चंद एक स्टार की तरह आज दुनिया में खेल चुका है और इतना अच्छा प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन कर सकता है। ये देखो लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए भाग रहे हैं उनके साथ। मैंने तो पहले ही सेल्फी ले ली, मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। सच में यार बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ज़्यादा। एंड यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग इन दिस, कि जो स्टेडियम है किट किस, ये यूनिवर्सिटी और ये स्टेडियम मैम के नाम से खोला जा रहा है, मतलब द्वितीय चंद स्टेडियम नाम होगा जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या बात है, एवरीवन आप लोगों ने देखा अभी हम लोग द्वितीय चंद मैम से मिले और मैंने ब्लॉग भी पूरा शूट किया है, आपने सब देखा होगा, होप आपको बहुत पसंद आया होगा। और अभी मैं यहाँ पे लंच के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या खाने में मिला है। रोटी और ये वेज में तो यही मिला है क्योंकि यहाँ पे नॉन वेज मिलता है हर जगह, तो हमें मुश्किलों से ये खाना मिला है यहाँ पे। बेचारे सारे लोग इसी को खा रहे हैं, क्या करें। खाने के बाद हम लोग निकलेंगे रूम के लिए, बहुत ही जरूरत थी तो यही खाना पड़ेगा अभी। एंड देन मिलते हैं, बाय। अब आ गई हूँ मैं रूम में एंड आई जस्ट एंड दिस ब्लॉग हियर। और नेक्स्ट ब्लॉग मेरा बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हम कल सब लोग घूमने जा रहे हैं और कल बीच पे घूमेंगे, टेम्पल भी जाएंगे, तो ऑब्वियसली बहुत मज़ा आएगा और पूरी टीम जाएगी तो बहुत ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। वेल आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।